शर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बदमाशों ने लूट कर तीन को मारी गोली, दो की मौत एक घायल। गाजियाबाद जनपद के लोनी ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के किदवई नगर पूजा कॉलोनी में सुबह करीब 3 बजे 6 अज्ञात बदमाश धर्मवीर, जो गैस सिलेंडर का काम करता है और घर पर परचून की दुकान करता है, वह बाहर सोया हुआ था। बदमाशों द्वारा पीने के लिए पानी मांगा। धर्मवीर ने अपनी पत्नी से पानी मांगकर पिलाया। उसके बाद उन्होंने खाने के लिए मांगा। मना करने पर लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर धर्मवीर पुत्र जयश्री की कटपटी पर गोली मार दी। शोर सुनकर पड़ोसी से आए दो भाई सोनू व मनजीत उर्फ बाबू पुत्र अशोक को भी गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को जीडीवी अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया, जहां धर्मवीर व सोनू को मृत घोषित कर दिया और बाबू गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एसएसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पेश है गाजियाबाद से सुनील शर्मा की एक खास रिपोर्ट। घटनाक्रम को अंजाम दिया है कुछ बदमाशों ने, गोली जो मारी है दो लोगों की मौत। जहां हम लोग खड़े हैं ये पूजा कॉलोनी सेकंड है और ये एक कच्ची कॉलोनी है, इसमें प्लॉट्स कटे हुए हैं, अभी काफी प्लॉट्स खाली भी हैं और कुछ बने हुए हैं। ये जो शर्मा जी इनके यहाँ ये घटना हुई है, वो उनका शटर बनने गया हुआ था और शटर नहीं लगा हुआ था, ये बाहर सोए हुए थे। तो इनके द्वारा बताया कि कुछ लोग आए, उनके द्वारा पानी मांगा गया। जब ये अंदर चले गए तो उनके द्वारा इन्हें कैप्चर करने का प्रयास किया गया। जब इनके लड़के की आंख खुली और एक बदमाश को भागते समय इनके लिए दबोच लिया गया, दबाव में बदमाशों ने फायरिंग की, तो एक तो घर में जो शर्मा जी थे उनके लगी है और दो लड़के बाहर से आ रहे थे जो शोर सुन के आ गए थे उनके लगी है, जिसमें दो की डेथ हो गई है और एक अभी उपचाराधीन है। बदमाश जो हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे हैं उसमें कुछ फुटेज लगे हैं और बहुत जल्दी उनके आधार पर हम बदमाशों की गिरफ्तारी करेंगे। सर, परिजनों का कहना है कि इस मामले में पहले भी तहरीर दी गई थी थाने में, लेकिन समझौता करा दिया गया था। देखिए, ये अगर परिजनों का ऐसा कहना तो उसकी मैं जांच करूंगा, क्योंकि ये बात मेरे सामने नहीं आई थी। मैं जब आया था तो ये बात मेरे सामने नहीं आई थी और फिर मैं सीसीटीवी वगैरह कैमरे वगैरह देखने पीछे की गली में चला गया। अगर ये इन्हें ऐसा शक है कि कुछ इस टाइप की बात थी तो अगर कोई फैसला, कोई झगड़ा हुआ और फैसला हुआ और उसमें भी वारदात हुई, तो उस पर भी हम लोग जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। पुलिस की जो जांच जो है किधर है, ये रंजिश की तरफ जा रही है या लूट की तरफ, क्या मतलब? देखिए, अभी हम सभी जितने विकल्प हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं और जैसा घर वालों को जो परिजन है उनकी बात सर्वोपरि है और जो वो बात, जो भी तथ्य वो देंगे उसके आधार पर हम लोग जाँच करेंगे और कार्रवाई करेंगे।